Hey guys, assalamu alaikum namaste, this is Suresh Kuchir and welcome to Surya Technical. So guys, आज का लेक्चर जो guys हमारे HTML 5 के अंदर जो वीडियो टैग के ऊपर है कि guys वीडियो टैग को guys जो यूज़ करते हो guys जो किस तरीके से जो हम हमारे वेब पेज के अंदर जो है वीडियो फाइल को या जो किसी भी वीडियो क्लिप को जो किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं. ओके सो गाइज, इससे पहले गाइज जो हमारा लेक्चर था गाइज वो वीडियो टैग के ऊपर ही था, जिसके अंदर जो हमने कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जैसे गाइज कौन कौन से ब्राउजर्स है जो गाइज HTML 5 के अंदर जो है वीडियो टैग को सपोर्ट करते हैं. एंड देन गाइज हमने ये डिस्कस किया था गाइज कौन कौन से गाइज जो है वीडियो वीडियो के गाइज जो है फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं, फाइल फॉर्मेट के गाइज जो कौन से मीडिया टाइप्स हैं. ओके देन गाइज आज हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं एंड इसके अंदर गाइज हम लोग बात करेंगे गाइज जो किस तरीके से जो हम लोग एम्बेड कर सकते हैं हमारी वीडियो को हमारे वेब पेज के अंदर. ओके तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले गाइज जो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है वीडियो डॉट एच टी एम एल के नाम से. यानी यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि HTML 5 की जो सेंटेक्स क्रिएट की हुई है. अगर आपको ये भी नहीं आता तो गाइज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो भी हैं गाइज उनको जाके देख सकते हैं. सो सिंपली गाइज कुछ भी नहीं किया गाइज, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए. देन गाइज जो यहाँ पे किसी भी फोल्डर में जाके गाइज आपको सेव करवानी है वीडियो डॉट एच टी एम एल लिखा है वीडियो गाइज जो मेरी फाइल का नाम है. एंड डॉट एच टी एम एल गाइज आप सबको पता होना चाहिए गाइज, क्योंकि गाइज ये जो हमारी एच टी एम एल 5 या 4.01 के अंदर भी गाइज एच टी एम एल क्या होती है गाइज, हमारी फाइल फॉर्मेट का गाइज जो एक्सटेंशन होती है. ओके तो गाइज सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप सबको पता है गाइज हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो गाइज वीडियो के लिए वीडियो एम्बेड करने वाले वेब पेज के अंदर, तो गाइज आप सबको पता है हमारा टैग ही गाइज ये है कि वीडियो टैग के ऊपर गाइज काम करना है. तो गाइज सबसे पहले गाइज हमारा टैग होगा वीडियो टैग. ओके सो सबसे पहले गाइज सॉरी ओके वीडियो टैग स्टैंडर्ड को मस्ट यू फॉलो करना है आपको, वीडियो टैग को क्लोज कर लेना है. देन गाइज यहाँ पे गाइज अब हमारा आएगा सोर्स. सोर्स में क्या होगा, सॉरी सोर्स को ओपन किया यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ. अब गाइज सोर्स SRC, तो गाइज ये जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का गाइज हम लोग रेफरेंस लेते हैं ना, तो उसके लिए गाइज हम लोग यूज़ करते हैं. ये जो गाइज हम लोग HTML 4.01 के अंदर भी गाइज सीख चुके हैं कर लिया एंड गाइज हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था HTML 5 के अंदर गाइज उसके अंदर भी गाइज हमने जो डिस्कस किया है, जैसे गाइज जैसे हमने जो HTML 4.01 के अंदर भी किया था, जैसे आई फ्रेम था या गाइज कोई भी हम लोग जो है इमेज वगैरह देते थे, किसी का भी पाथ वगैरह देते थे, तो उसके लिए गाइज हम लोग यूज़ करते थे सोर्स. ठीक है एंड HTML 5 के अंदर गाइज हमने ऑडियो ट्रैक के अंदर गाइज यूज़ किया है इसको सोर्स SRC को. ओके सो सोर्स SRC के अंदर गाइज हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा गाइज, इसका सोर्स आएगा. सोर्स किसका आएगा गाइज, हमारा जो वीडियो है वीडियो गाइज कौन से फोल्डर के अंदर पड़ा है गाइज, वीडियो का नाम क्या है, वीडियो का जो गाइज फाइल का नाम है वो क्या है एंड किस फोल्डर के अंदर पड़ा है वो आएगा. देन गाइज जो उसकी एक्सटेंशन आएगी. ठीक है तो गाइज जो यहाँ पे गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ गाइज, यहाँ पे डेस्कटॉप है प्रोग्रामिंग के का गाइज, एक यहाँ पे मेरे पास जो गाइज जो एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर गाइज जो है यहाँ पे वीडियो के नाम से गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज जो एक फोल्डर पड़ा हुआ है वीडियो. ठीक है सॉरी वीडियोज़ है, तो वीडियो भी वीडियोज़ है गाइज, इसको गाइज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो यहाँ पे गाइज जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से. देन गाइज फॉरवर्ड स्लैश आएगी. ठीक है एंड देन गाइज आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है गाइज, जस्ट जाना है अगेन आपके फोल्डर के अंदर. जस्ट आपके अंदर गाइज जो यहाँ पे मेरे पास थीम का नाम है, थीम जो है गाइज यहाँ पे मेरे पास जो एक वीडियो पड़ी है उसका जो गाइज नाम है यहाँ पे थीम है. ओके गाइज यहाँ पे इसके साथ ही गाइज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, मतलब कौन सा फाइल फॉर्मेट है इसका. ठीक है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ राइट क्लिक करके एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो गाइज फाइल फॉर्मेट है गाइज वो जो MP4 है. ओके देन यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, अगेन आता हूँ गाइज हमारे नोटपैड के अंदर एंड गाइज यहाँ पे हमारा आ गया थीम जो गाइज हमारे फाइल का नाम है. देन गाइज आएगा MP4. ठीक है अब गाइज यहाँ पे इसका मीडिया आएगा, सॉरी मीडिया नहीं टाइप, यार मैं भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों मीडिया जहन में आ जाता है बार बार. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टाइप कि इसका टाइप क्या होगा, तो गाइज टाइप यहाँ पे मैं क्या लूँगा, वीडियो है ऑडियो तो नहीं है ना, टाइप जाहिर गाल है भाई किस काम लोग ले रहे हैं वीडियो का दे रहे, तो गाइज इसका टाइप क्या होगा वीडियो है. लेकिन गाइज इसकी फाइल फॉर्मेट का जो गाइज यहाँ पे हमारे पास मीडिया का जो टाइप है वो क्या है वो भी गाइज यहाँ पे हमारे पास है MP4. मैंने आपको पहले ही बताया था गाइज MP4 का है MP4. ठीक है तो अब गाइज यहाँ पे ये गाइज हमारा आ चुका है सोर्स. अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इस गाइज रन के ऑप्शन में जाके इसको क्रोम के अंदर करता हूँ. क्रोम क्योंकि सपोर्ट करता है हमारे किसी भी वीडियो को. ठीक है तो कोई भी वीडियो क्लिप हो, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ चुकी है.
लेकिन ये रन नहीं होगी, चलेगी नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, आपको बताना चाहिए कौन सा एट्रीब्यूट होगा, कंट्रोल्स। ओके देन गाइस मैं यहाँ पे पेज को करता हूँ रिफ्रेश। अब गाइस आपने देखा गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जिसके हेल्प से गाइस जो हम लोग यहाँ पे गाइस जो हमारी वीडियो है उसको प्ले कर सकते हैं। को प्रेस किया, पेज रिफ्रेश हो चुका। आप गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इसकी साइज़ जो गाइस वो बिल्कुल कम हो गई, इसकी विड्थ थी जो हमारी वीडियो की, तो इसकी इस तरह गाइस जो आप हाइट भी सेट करते हैं, हाइट भी सेट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने विड्थ की, अब गाइस जो हम लोग हाइट भी सेट कर सकते हैं गाइस। हाइट कितनी हो चाहे, हाइट गाइस मैं चाहता हूँ गाइस 500 पिक्सल हो, तो गाइस यहाँ पे मैं करता हूँ, तो गाइस आपने देखा इसकी हाइट गाइस जो है 500 पिक्सल हो गई। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी हाइट मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, तो कर लेता हूँ 100, और सॉरी 100 नहीं 1000 कर लेते हैं, देखते हैं कितनी होती है क्रोम के अंदर। तो गाइस अब आपने देखा गाइस यहाँ से जो इसकी हो गई है 1000, तो मैं यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ ताकि हमें जो सही तरीके से व्यू हो सके, 500 कर लेता हूँ। ओके तो गाइस ये हो जाने के बाद अब गाइस एक और एट्रीब्यूट है, गाइस ये हो गई हमारे हाइट एंड विड्थ हो गई। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारे पास एक और है पोस्टर के नाम से। पोस्टर गाइज क्या करेगा, सॉरी गाइज, अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट है पोस्टर। गाइज पोस्टर क्या करेगा गाइज, इसके थ्रू गाइज हम लोग थंबनेल सेट कर सकते हैं। जैसे गाइज आप यूट्यूब पे नहीं देखते गाइज, कोई भी आपके पास फाइल पड़ी होती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्रोम के अंदर गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये जो पूरी पूरी वीडियो नज़र आ रही है, लेकिन इसका तो गाइस पूरा थंबनेल जो थंबनेल गाइस जो इसका चेंज हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आ चुका है हाउ टू सेट कलरफुल थीम इन विंडो विंडो 8, 10, 7। ठीक है तो गाइस ये इसके थ्रू जो पोस्टर की हेल्प से गाइस जो आप थंबनेल भी सेट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर गाइस। जब भी आप लोग कोई वीडियो क्लिप या जो कोई भी आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो उसकी गाइस जो आप थंबनेल भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हवाले से गाइस जो आप
थंबनेल भी सेट कर सकते हैं अपना बना के। तो गाइस ये हो गया पोस्टर। पोस्टर के बाद गाइस यहाँ पे एक और है, लूप है, ऑटो प्ले। गाइस ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। जैसे गाइस यहाँ पे मैं लूप करता हूँ, पहले गाइस मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद गाइस लूप, ठीक है, लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ, ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं किसी को भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज जैसे ही गाइज हमारी वीडियो एंड हुई, इसने वीडियो को जाके पॉज कर दिया। लूप से मीन्स के इटरेशन, इटरेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस। रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस से ये मुराद है कि गाइज के जैसे ही गाइज हमारी वीडियो आके एंड में पहुँचेगी, ख़त्म होगी, देन गाइज बैक टू जाएगी अगेन एंड स्टार्ट होगी अगेन, ठीक है, ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए गाइज यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट एक लूप के नाम से। एंड गाइज यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेज को रिफ्रेश। अब गाइज देखें, जैसे ही गाइज यहाँ पे मैं लेके आया हूँ मेरे कर्सर को, एंड जो गाइज जैसे वीडियो को मैं रन किया, तो गाइज आप देखें, आप जैसे गाइज वीडियो इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने म्यूटेड कर लिया तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे म्यूटेड होगा। वीडियो अगर आप लूप पे चलाना चाहें तो चलती रहेगी, ऑटो प्ले कर रहे हैं तो ऑटो प्ले वीडियो आपकी चलती रहेगी, लेकिन म्यूट पे होगी तो आप उसको सेट करना चाहे इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके तो गाइज ये था हमारा वीडियो का टैग, जिसके अंदर गाइज हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए। कुछ और भी एट्रीब्यूट्स है, आप जो इंटरनेट पर जाके सर्च कर लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके तो आज का लेक्चर गाइस हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।